राजस्थान में 5 साल बाद कमल खिला है, लेकिन इस जीत के बाद भी पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया निराश हैं। उनकी निराशा इतनी ज्यादा और गंभीर है कि उन्होंने अब पारिवारिक कार्यों को पूरा करने का फैसला किया है। हालांकि उन्होंने कहा है कि ये सब कुछ समय के लिए ही है, लेकिन उनका पोस्ट कुछ और ही संकेत दे रहा है। दरअसल राजस्थान की आमेर सीट से विधायक और बीजेपी प्रत्याशी सतीश पूनिया इस बार विधानसभा चुनाव हार गए। पूनिया को कांग्रेस प्रत्याशी प्रशांत शर्मा ने 9092 वोटों से हरा दिया। हालांकि आमेर से पूनिया जीत के प्रबल दावेदार थे। उनके प्रचार के लिए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, कई राज्यों के सीएम से लेकर बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता आमेर पहुंचे थे, लेकिन इसके बावजूद डॉक्टर पूनिया चुनाव हार गए। हार के बाद सतीश पूनिया ने सोशल साइट एक्स पर पोस्ट कर आमेर छोड़ने की बात तक कही और पार्टी को भी दो टूक बात कहते हुए आमेर में किसी अन्य नेता की नियुक्ति करने को कहा। दरअसल आमेर सतीश पूनिया को दोबारा मौका देने के लिए तैयार नहीं थी। समीकरण भी सब पक्ष में नजर आ रहे थे, लेकिन ऐन वक्त पर पूनिया की गाड़ी कब बेपटरी हुई और चुनाव बदल गया, ये पूनिया समर्थकों के लिए फिलहाल समझना आसान नहीं दिख रहा है। वहीं राजस्थान विधानसभा चुनाव के दौरान जब एनबीटी ऑनलाइन की टीम ने आमेर से बीजेपी प्रत्याशी सतीश पूनिया से बात की थी, तो वो अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रहे थे और बीजेपी के इतिहास रचने की बात कह रहे थे। निश्चित रूप से बनाएगी और रिवाज हर बार कायम नहीं हुआ। एक बार 2008 में यहाँ कांग्रेस के एमएलए थे, कांग्रेस की सरकार थी। सामान्य धारणा जरूर है, लेकिन जो जन समर्थन दिखता है, पिछले 10 वर्षों से मैंने जिस तरीके से यहाँ धरातल पर काम किया है, जयपुर के नज़दीक की सीट थी, लेकिन जिस तरीके का बुनियादी विकास जरूरी था हुआ नहीं था, हमने विकास को मुद्दा बनाया और मैं उस पर अभी भी कायम हूँ। और इसलिए कार्यकर्ताओं का परिश्रम, मोदी जी का नाम और काम, और कांग्रेस के खिलाफ जो एक माहौल है, जो जनाक्रोश है, उससे आमेर भी अछूता नहीं है। पेपर लीक से नौजवान परेशान है, किसान कर्जा माफी की वादा खिलाफ से परेशान है, जो कानून व्यवस्था वो बदतर है, कुल मिलाकर जो हालात हैं उसके कारण एक एंटी इनकम्बेंसी है। तो बताइए कि मान लीजिए किसी अबला की रोटी मांगते वक्त असमत लूट ली जाती है, तो उससे आमेर का जागरूक मतदाता इत्तेफाक रखता है, उसका एक संवेदना है, वो किसी न किसी रूप में कांग्रेस के खिलाफ प्रकट होगी। हालांकि बीजेपी चुनाव पूर्ण बहुमत से जीत गई, लेकिन पूनिया इतिहास नहीं रच पाए। राजनीतिक जानकारों की माने तो पूनिया पार्टी के भीतर गुटबाजी का शिकार हुए, जिससे उन्हें हार नसीब हुई। पॉलिटिकल पंडितों की माने तो आमेर कभी बीजेपी का गढ़ नहीं रहा। आंकड़ों को देखें तो ये बात सच भी लगती है। 2023 से पहले हुए आमेर में 17 चुनावों में से कांग्रेस ने 10 बार बाजी मारी है, जबकि बीजेपी सिर्फ 5 बार जीती है। 2018 में खुद पूनिया यहां से 13,000 वोटों से जीतकर विधायक बने थे, जबकि 2013 में मात्र 229 वोटों से हार गए थे। गोपीराम को छोड़ दें, जिन्होंने 290 और 293 में 2 बार लगातार बीजेपी के टिकट पर आमेर का किला फतह किया, बाकी आज तक कोई भी बीजेपी नेता, रिपीट करना तो दूर, चुनाव जीत ही नहीं पाया। ऐसे में पूनिया के लिए भी आमेर का किला भेदना इतना आसान नहीं था, लेकिन बीजेपी ने उन्हें किसी सेफ सीट की जगह आमेर से ही मैदान में उतारा। वैसे भी सबसे मजबूत सिपाही को सबसे चुनौतीपूर्ण काम दिया जाता है, लेकिन शायद किस्मत या कहें कि सियासी तारे पूनिया के साथ नहीं थे और वो चुनाव हार गए। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो बीजेपी दिया कुमारी की तरह ही सतीश पूनिया को भी किसी सुरक्षित सीट से मैदान में उतार सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पार्टी ने चुनाव से कुछ महीने पहले ही उन्हें प्रदेश अध्यक्ष पद से भी हटा दिया था, जबकि उन्हें दूसरा कार्यकाल मिलने की उम्मीद थी। विश्लेषकों की माने तो पूनिया ने कोरोना काल में बहुत काम किया और राज्य में संगठन को भी काफी मजबूत किया था। जब अशोक गहलोत सरकार राज्य में काफी मजबूत दिख रही थी, तो उस वक्त पूनिया न सिर्फ गहलोत सरकार पर हमलावर थे, बल्कि पेपर लीक, आरपीएससी, भ्रष्टाचार, क्राइम जैसे मुद्दों को लेकर सड़क से सदन तक संघर्ष भी कर रहे थे, लेकिन उन्हें इसका इनाम नहीं मिला। जानकार बताते हैं कि सतीश पूनिया राज्य में मुख्यमंत्री पद के प्रबल उम्मीदवारों में से एक थे और राज्य की जाति पॉलिटिक्स में भी फिट बैठते थे, लेकिन चुनाव में उनकी हार ने उनकी कई उम्मीदों पर पानी फेर दिया। हालांकि पूनिया का अगला कदम क्या होगा और बीजेपी उन्हें कैसे मनाएगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।